तुम्हारा भाई इस ब्लॉग के माध्यम से हर कंटेंट में घुसेगा। जैसे तो देख सकते हो अभी मैंने सोया संग निकाल के रखा है। हे गाइस गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। अभी टाइम हुआ है सुबह के 10:30 और भाई मैंने कल मेरा जो ब्लॉग अपलोड किया था दौड़ा पूर्णिमा का, पता नहीं क्या हुआ उस ब्लॉग में व्यू ही नहीं आए, मतलब सिर्फ 18 व्यू 18, इतना कम। तो मैंने वो ब्लॉग डिलीट किया और फिर से अभी अपलोड किया है। आप देख सकते हो अभी कितना परसेंट अपलोड हो चुका है, देख सकते हो 96% अपलोड हो चुका है और 56 सेकंड लेफ्ट है, 56 सेकंड के अंदर हो जाएगा। फिर मैं ये वाला ब्लॉग को पब्लिश करूंगा, इसके बाद मेरा होली का भी ब्लॉग एडिट हो चुका है, मेरा होली वाला ब्लॉग भी आज ही मैं डाल दूंगा। और आज के ब्लॉग में मैं क्या करने वाला हूँ, तो हम आज के इस ब्लॉग में खाना बनाने वाले हैं। तुम्हारा भाई इस ब्लॉग के माध्यम से हर कंटेंट में घुसेगा। जैसे कुकिंग चैनल्स होते हैं वहां पे भी घुस जाएंगे, ब्लॉग्स को हम बना ही रहे, हम बाकी सारी हर चीजों में हम अपना क्या है ना जो कंटेंट लेके आएंगे इस ब्लॉग में। तो मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि मैं सब कुछ बनाने वाला हूँ। जैसे दाल चावल पहले से बनाए, उसके जो साइड पे बोलते हैं ना कि आइटम्स, गुजराती में वांगी वांगी साइड बोलते हैं, पता नहीं, बट जो आइटम्स है ना वो बनाने वाला हूँ। क्या बनाने वाला हूँ आपको जो मैं बनाऊंगा ना तब दिखाऊंगा। चलो अभी बनाने जाते हैं हम। गाइस अभी हम आ चुके हैं खाना बनाने और मैंने सोचा है कि आज हम बनाएंगे सोया चंक्स, क्योंकि मुझे लगता है वो थोड़ा आसान होगा बाकी सारी चीजों के कंपेरिजन में। तो अभी हम सोया चंक बना रहे, कैसा है प्रोसेस आपको दिखाऊंगा, क्योंकि तुम्हारा भाई अभी हर कंटेंट में घुसेगा, हम किसी का भी कंटेंट नहीं छोड़ेंगे। तो सोया चंक बनाने के लिए पहले हमें पानी गर्म करना पड़ेगा, तो यार मैंने पहले से पानी निकाल के रखा है, इतना तो नहीं होगा, रुको। तो पहले पानी लेके आ चुके, पहले पानी गर्म करेंगे। अभी देख सकते हो मैंने पानी गर्म करने के लिए रख लिया है, पहले पानी गर्म हो जाएगा फिर इसके अंदर हम सोया चंक डालेंगे। ओके तो देख सकते हो अभी मैंने सोया चंक निकाल के रखा है, पहले ये पानी गर्म हो जाएगा तो ये पानी इसके अंदर डालेंगे हम। तो गाइस अभी पानी गर्म हो चुका है, अभी इसको सोया चंक के अंदर डालते हैं। चलो इसको पहले रखते हैं। ओके मैंने पानी डाल दिया, अब ये फूल जाएगा, आपको दिखाता हूं, देख सकते हो। जब तक ये सोया चंक्स फूल रहे तब तक हम दो टमाटर लेते हैं, इसको धो के काट देते हैं। तो गैस अभी हम दो टमाटर काटेंगे, उसके साथ दो प्याज भी कट करेंगे। तो पहले टमाटर कट करता हूं। गैस अभी टमाटर कट चुका है, आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने टमाटर काट के रखा है और यहाँ पे लगभग सोया चंक्स फूल चुका है और भी फूलने वाला है। और अभी हम पहले प्याज कट करते हैं। ओके गाइस अभी आप देख सकते हो मैंने प्याज भी काट दिया, प्याज मतलब कांदा, और यहाँ पे चिली भी कर चुका है और मैंने सोया चंक्स भी निकाल दिया बाहर। अभी आगे के काम करते हैं। गाइस अभी देख सकते हो हमने कढ़ाई में अभी टमाटर डाल दिया, अभी इसके अंदर हम प्याज डालेंगे। देखो मैंने प्याज भी डाल दिया और इसके बाद जाएगा हमारा चिली। चलो चिली भी आ गया, अभी हम इसको मिक्स करने वाले हैं। इधर दिखाओ, इसके अंदर थोड़ा ऑयल डालने वाले हैं। अभी हम इसके अंदर गरम मसाला डाल रहे हैं। ओके अभी इसके बाद हम डालेंगे हल्दी, तो यहाँ पे आ चुका है हमारा हल्दी, मुझे पता नहीं क्वांटिटी कितना होता है, मैंने सिर्फ गैस में डाल रहा हूँ। अभी हम इसके अंदर डाल रहे हैं चिली पाउडर, ओके पता नहीं कितना स्पाइसी ना हो जाए। अब इसको मिक्स कर देंगे, मेरे को जज मत करना है, मेरा पहली बार है क्योंकि मुझे पता नहीं कैसे मिक्स होता है। गाइस अभी हमने सोया चंक भी डाल दिया कढ़ाई में, अभी इसको मिक्स करेंगे हम। ओके रुको यार, फोन को एक हाथ में फोन और एक हाथ में मिक्स हो ही नहीं रहा है मेरे से। चलो अभी देख सकते हो मैं इसको मिक्स कर रहा हूँ, अभी इसके अंदर हम नमक भी डालेंगे। चलो आ गया नमक, नमक को क्वांटिटी पता नहीं है, इतना और जाएगा, इतना ओके क्योंकि मैं मम्मी को पूछ के डाल रहा हूँ, पता नहीं है ना खराब बन जाएगा तो खामखाल नष्ट ही होगा। और अभी नमक डालने के बाद इसको फिर से मिक्स करेंगे, हो गया लगभग। अभी इसके अंदर हम दही डालेंगे, दही मतलब कर्ड, जिनको नहीं पता कर्ड। गाइस अभी हम दही लेके आ चुके हैं, अभी मुझे पता नहीं कितना क्वांटिटी जाएगा, तो चलो इतना ज्यादा ना हो जाए,
इतना डाला और जाएगा, और जाएगा इतना। कुछ ज्यादा दही महंगा नहीं हो रहा है क्या? ओके दही डालना हो चुका है, अभी इसको हम फिक्स से मिक्स करेंगे शायद, राइट? ओके पर ये होटल जैसा इतना कलर ही नहीं आया, अरे वो कलर डालते होंगे। गाइस अभी 5 से 10 मिनट के अंदर ये बन के रेडी हो जाएगा। और भाई खाना बनाना मुश्किल तो है, मैं सबसे ज्यादा मुश्किल तो है जो कांदा काटते हैं भाई, आंखें जलने लगा मेरा। पर चलो अभी जो भी है ठीक हो चुका हूँ और इसको लगेगा भाई, देख सकते हो बन रहा है, 5-10 मिनट के अंदर हो जाएगा। और ये कैसा बना है मैं टेस्ट करूंगा और आपको दिखाऊंगा कैसा बना है। गाइस ये जो कुकिंग चैनल्स होते हैं इन लोगों को गर्मी नहीं लगती क्या? अबे खाना बना रहा था इतने गर्मी मेरा फोन गर्म हो गया, चल आंखें तो जो प्याज काटे बट आंखें तो दर्द करने लगा, पता नहीं इन लोगों को ऐसा टिप टॉप कैसे दिखते हैं। हमारे घर पे मैं कुछ भी इंपॉर्टेंट बात करूँ ये ट्रेन आ जाएगा बीच में पै बोल के। चलो अभी मैं आपको दिखाऊंगा डायरेक्ट जब ये बन जाएगा ना उसको प्लेट में सजा के दिखाऊंगा। और भाई मेरी इस मेहनत के लिए इस ब्लॉग को लाइक कर देना, क्योंकि ये जो खाने कुकिंग का मैंने ब्लॉग इसलिए बनाया क्योंकि मेरे पास कोई कंटेंट की कमी था ना। अरे हाँ मैंने तो ब्लॉग अपलोड करना भी रह गया मेरा, वो भी अपलोड करता हूँ। गाइस अभी सोया चंक्स बन चुका है और उसको मैंने प्लेट में सजा दिया है, अभी मैं आपको दिखाता हूँ कैसा बना है। गाइस ये देख सकते हो ये बन चुका है हमारा सोया चंक्स। मानता हूँ मुझे डेकोरेट करना नहीं आता पर जितना हो सका मैंने किया है, और आप बताना कैसा लग रहा है आपको, अभी मैं इसको टेस्ट करके बताऊंगा कैसा बनाए। और हाँ पहली बार मैंने डेकोरेट किया है तो उसका कुछ एक अच्छा सा मार्क दे देना भाई, देख सकते हो इसका कुछ तो मार्क मिलना चाहिए, राइट? अभी मैं तुम लोगों के सामने ही खाने वाला हूँ और बताने वाला हूँ कैसा बनाए। ओके पहले यहां से मैंने पिक किया, पहले थोड़ा पिक किया और भाई अच्छा तो बनाए, मतलब ऐसा नहीं बोला तो मैं होटल वाला भाई भाई बा, बट हाँ अच्छा तो बनाए। आप लोग भी ट्राई कर सकते हो, अगर आपको ये मेरा जो मैंने बनाया है ना पहली बार कुकिंग इस ब्लॉग में ऐड किया अगर पसंद आया तो प्लीज इस ब्लॉग को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, आपको कैसा लगा नीचे कमेंट कर देना। और भाई गर्मी बहुत है और मैं आपको ऐसे होगा तो आगे किसी दिन और एक दिन किसी कुकिंग ब्लॉग बनाऊंगा, रेगुलर तो नहीं बना पाऊंगा भाई, और सब्सक्राइब कर देना।